हम क्या लिखना चाहते हैं, क्या होता है हमारे साथ। पहला हमारा एक स्लोगन के साथ ये सब जो है ये आप तय करेंगे, और मैं आपको गुजारिश करूंगा कि बी अ फेयर जज, अगर मेरे से गलती हो रही है तो आप जरूर उंगली उठाकर मुझे बताएं कि जनाब ये आपका बताओ दबाओ, ये मैं कभी आपको नहीं कहूंगा। मेरा हर जगह पे यही उसूल रहा है कि आप फेयर एसोसिएशन और यहाँ की जर्नलिस्ट पुलिस के साथ वो खूबी तालमेल रखे हुए हैं। 2.5 साल एसपी हजरतबल रहा हूँ, एडिशनल एसपी बड़गाम, एसडीपीओ रहा और जस्ट 1.5 साल के बाद आप क्लोज तरीके से जुड़े हुए हो, हमारा आपस में कोऑर्डिनेशन हो और उसी को मिसकम्युनिकेशन की चांसेस रहते हैं, ठीक है, मिस इंटरप्रिटेशन के चांसेस रहते हैं, कंफ्यूजन के चांसेस रहते हैं। तो हमने ये सही समझा है कि शुरुआत से ही जो है हमारे बीच में एक फ्री एंड फेयर इंटरेक्शन रहना चाहिए। जब कभी भी कोई भी घटना हो, किसी भी तरीके का इशू हो जिसमें पुलिस का एक रोल आता है, पुलिस का एक उसमें किरदार होता है, तो उसके मुतल्लिक जो भी इंफॉर्मेशन आप समाज के साथ शेयर करते हैं वो सही हो, वो ट्रूथफुल हो और वो फैक्ट बेस्ड हो। इसके लिए हमें आपस में कोऑर्डिनेट करना बहुत जरूरी है। आप सब जो है अलग अलग इलाकों से, बारामूला के अलग अलग पार्ट से बिलोंग करते हैं आई एम टोल्ड, तो बारामूला एक बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, बाद में हमारी पुलिस पार्टी आती है, ये भी बड़ी जगहों पे होता है, आपके नेटवर्क स्ट्रांग है, आपके स्ट्रिंगर्स हर जगह फैले हुए होते हैं, तो ये जो है ये गिव एंड टेक का रिलेशनशिप रहेगा हमारी तरफ से भी, और आपसे भी मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप भी उसी तरीके से उसी तरीके से जो है हमारे साथ रहे। So we can just start with a small round of introduction so that हम face to face एक दूसरे को जान ले, और फिर I think with media groups तो हम connected है ही, हमारे media cell incharge भी आपके साथ connected है, मेरा personal number already it is I hope that it will be with you all, अगर नहीं है तो हम आप उसको note भी कर सकते हैं। So we can